झालावाड़ में एक नागा रेजिमेंट एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कोटा द्वारा जिला प्रशासन के साथ मंगलवार को सैनिक विश्राम गृह झालावाड़ में भूतपूर्व सैनिक आश्रित वर्ष के रूप में आयोजित शिविर में जिले के शहीद जवानों के आश्रितों, सह सेवा में दिवंगत सैनिकों के आश्रितों, शारीरिक रूप से असमर्थ भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु नागा रेजिमेंट एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कोटा द्वारा आयोजित शिविर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि झालावाड़ में सेना भर्ती रैली की अपार संभावनाएं हैं। यहां सभी प्रकार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी सेना भर्ती रैली में आवश्यकता होती है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूर्णतः सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में 48 से अधिक किनों के शामिल हुए। इसमें जिला सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स से मिलने वाली वित्तीय सहायताओं एवं लाभों के बारे में बताया गया। शिविर में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DHFL, स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ से स्टॉल लगाए गए। स्टॉल्स पर सैनिकों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं, पेंशन, राजस्व, चिकित्सा, होम लोन, गोल्ड लोन आदि से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा करीब 28 सैनिकों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। खबर आपकी राजस्थान से, धीरज गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। उन समस्याओं को एक साथ सूचीबद्ध किया जा सकेगा और हमारे लिए भी उनको सुलझाने का प्रयास और आसान हो पाएगा। ये एकेडमी के टाइम से ही हमारी ट्रेनिंग का भाग रहता है कि जब भी फौज से कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेके कभी भी दफ्तर में आए या कहीं बाहर मिले तो ना सिर्फ उनको